हम बात करने वाले हैं कि विश को कब लेट गो करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड लोग कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि हम लेट गो करें या और ज़्यादा प्रैक्टिस करें टेक्निक्स को या क्या करें, तो वो समझ नहीं आ रहा। तो देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जो एक अति होता है ना, मतलब बहुत हद से ज़्यादा, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। फिर वो चाहे आप प्रैक्टिस करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, कुछ भी करो, अगर वो एक अति में जा रहा है, मतलब कि एक्सेसिव में है, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अब आपको वो लिमिट समझ में अगर आ जाए कि भाई यहाँ तक ही ये सही है, अब नहीं, वो लिमिट आपको समझ में आएगी तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि नाउ दिस इज़ द टाइम टू लेट गो। ठीक है, अब वो लिमिट कैसे पता करें, तो उसके लिए भी आपको साइन मिलेंगे कि हाँ भाई अभी ये इंडिकेशन मिल गया है। तो उसका साइन ये है कि आप ऑब्सेस्ड हो जाएंगे अपने विशेस को लेके, ठीक है, आप इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगेंगे तो ओवर थिंकिंग आ जाए, ऑब्सेशन आ जाए, अगर डेस्परेशन आ जाए, देन समझ लेना भैया दिस इज़ द टाइम टू लेट गो। ठीक है, क्योंकि अगर आप लेट गो नहीं करेंगे और उस विश के बारे में सोचते रहेंगे, अटैच रहेंगे, तो यू नो आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो सारे अनवांटेड इमोशंस उसके साथ में हैं। अब जो ये लेट गो का जो एक मीनिंग है या पर्पस है ना, तो पर्पस तो यही है कि आप अपनी चीज़ों को इजीली मैनिफेस्ट कर पाएँ और सारी वो जो अनवांटेड इमोशंस है उसको आप यू नो रिलीज कर दें। ठीक है, लेकिन जब तक वो विश को आप मतलब याद रखेंगे, जब तक आप उस विश को अपने माइंड में रखेंगे, तो उसके रिलेटेड, उससे जो कनेक्टेड हैं जो भी इमोशंस, वो कैसे कहीं जाएंगे, समझना इस बात को। तो लेट गो का रियल मीनिंग अकॉर्डिंग टू मी इज दैट कि आप अपने डिजायर को भूल जाओ। आपने एक हद तक, एक टाइम तक उसके लिए प्रैक्टिसेस किए, प्रेयर्स किया, रिचुअल्स किया, सब किया, अब आपको उसको भूल जाना है। इट्स नॉट लाइक कि आपको गिव अप करना है, लेकिन जस्ट लेट इट गो। जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कैसे ऑर्डर देते हैं हमारा, है ना, और फिर हम भूल जाते हैं, हम उसी के बारे में सोचते नहीं रहते कि भाई अब वो आएगा कि नहीं आएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खाएंगे कि नहीं खाएंगे। ठीक है, एंड वो आ जाता है, हमको मिल जाता है हमारा जो ऑर्डर होता है, जो खाना होता है, हम खा लेते हैं। सो एक हद के बाद आपको उसको भूल जाना है और अपनी लाइफ में बिजी हो जाना है। थोड़ी टाइम के लिए आपको बिल्कुल ही यू नो नीडी, जो आपकी नीड है ना, उसको ख़त्म कर देना, क्योंकि जब तक आप नीडी रहेंगे तो आप उससे अटैच रहेंगे, और वो जो लैक वाली फीलिंग है, जो डेस्परेशन वाली फीलिंग है, जो वरीज हैं, डाउट्स हैं, फियर्स हैं, सब कुछ साथ में रहेंगे। तो कोई भी फीलिंग कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ बोलने के लिए आप बोलोगे कि भाई लेट गो कर दिया मैंने, ये कर दिया, लेकिन सब कुछ यहीं रहेगा, माइंड में रहेगा, आप वो सोचेंगे, डीप डाउन वही चीज़ें आपके अंदर रहेंगी। तो द बेस्ट वे टू लेट गो इज़ दैट कि आप अपने डिज़ायर को भूल जाए। उसकी आपको इंडिकेशन मिलेगी जब आपके सारे वाइब्रेशंस यू नो नेगेटिव बन जाएंगे, मतलब कि डेस्परेशन होगी, ऑब्सेशन होगा, डाउट्स आएंगे, फियर्स आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको टाइम के फॉर्म में भी बताती हूँ कि आप बोले भाई फिर भी आप कुछ दिन के फॉर्म में या कुछ महीनों के फॉर्म में बताइए कि कब तक हम चीज़ों को यू नो लेट गो करें। तो बेसिकली आप किसी भी टेक्निक को ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीना करें, फिर आप उसको छोड़ दें। ठीक है, फिर वो चाहे वो डिज़ायर मैनिफेस्ट हुआ है और ना हुआ हो, जस्ट लेट इट गो। ठीक है, भूल जाना है, लेकिन पूरे बिलीफ के साथ कि अब वो चीज़ मैनिफेस्ट होकर रहेगी, लेकिन अब मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, एंड देन जस्ट लेट इट गो। ठीक है, कोई फियर, कोई डाउट, कुछ भी नहीं होना चाहिए, और ना ही उसको आपको याद रखना है अपने माइंड में। बिलीव मी गाइस, जब जब आप चीज़ों को भूल जाएंगे, वो चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट होगी। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब तक हम अपने विशेस को कंटिन्यू याद रखेंगे, उसको माइंड में यू नो बार बार विजुलाइज करेंगे या उसके बारे में सोचेंगे, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। और जब आप एकदम से उस चीज़ को भूल जाएंगे और अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे ना, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो आप ये एक्सपीरियंस करिए एक बार। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसको यू नो एकदम से भूल जाएं, लेकिन ट्राई टू फॉरगेट दैट जो भी डिज़ायर है उसको, थोड़ा टेम्पररी आप उसको लेट गो कर दीजिए। दिस इज़ द राइट एंड प्रॉपर वे, और यही रियल मीनिंग है लेटिंग गो का। ठीक है, तो विशेष के लिए आपको जब लेट गो करना हो, तो इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना। एक तो 1-2 महीने के बाद वो टेक्निक को छोड़ दें, जस्ट ग्रेटिट्यूड और एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करें। और दूसरा, कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसा हो कि अब तो ये ऑब्सेशन नहीं जा रहा, डेस्परेशन नहीं जा रही, तो आपको उस डिज़ायर को ही यू नो जाने देना है। ठीक है, मतलब कि गिव अप नहीं करना है, फिर से बता रही हूँ, जस्ट लेट गो कर देना है, एंड फिर अपने काम पे, अपने लाइफ पे, दूसरे गोल्स के ऊपर फोकस कर देना है। अपने आप वो चीज़ बेस्ट टाइम होगा, खुद ही वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है।
सो गाइज बस यही था इस वीडियो में, यही चीज़ मुझे समझानी थी, तो इस पर बिल्कुल आप अमल करना, इसके ऊपर एक्ट करना, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए कीप गोइंग विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।